हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आंवले का मुरब्बा बनाना। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से आंवले का मुरब्बा बनाकर तैयार करते हैं। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए ये हमने 1 किलो आंवले लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है और अब इसके अंदर मैं कट लगाऊंगी। ये मैंने आंवला लिया है और इसको मैं कट लगाऊंगी। इस प्रकार से मैं साइडों में से कट लगाऊंगी। आप चाहे इन्हें फोक की मदद से भी कर सकते हो। ये देखो, मैंने इन साइडों से कट लगा दिया है। इसी प्रकार से मैं सारे आंवले में कट लगा लूंगी। और इधर मैंने गैस पे एक पतीली में पानी उबलने के लिए रख दिया है और ये हमारे सारे आंवले में कट लग चुका है और इधर हमारा पानी भी उबलने लगा है। अब मैं इसमें ये आंवले डाल दूंगी। और मैंने इसके अंदर ये सारे आंवले डाल दिए हैं और इसे 1 से 2 उबाल आने तक मैं इसे पानी में ही रहने दूंगी और इसे उबाल आने देती हूँ। इसमें पानी में डालने के बाद आंवले का कलर चेंज हो गया है, अभी इसमें उबाल नहीं आया है। उबाल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। और इधर हमने ये चीनी ली है, ये 2 किलो चीनी ली है हमने। और इधर हमारे आंवले उबलने लगे हैं, ये देखो उबाल आ चुका है। इसमें गैस को मैं बंद कर देती हूँ और आंवले को पानी से अलग कर लेती हूँ। और ये मैंने आंवले को पानी से अलग कर लिया है और ये मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं 1 गिलास पानी डालूँगी। मैंने ये छोटी गिलासी पानी की ली है और साथ ही मैं इसमें ये चीनी डाल देती हूँ, जो 2 किलो चीनी ली है। और इसकी मैं चाशनी बनने दूंगी। और ये हमारी चाशनी बनने लगी है, चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। हमें इसे 1 तार की चाशनी बना कर तैयार करना है। चीनी हमारे अच्छे से पिघल कर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें ये आंवले डाल दूंगी। और इसे मिक्स कर लूंगी आंवले को अच्छे से। इसे जब तक पकाएंगे हम, तब तक जब तक इसकी 1 तार की चाशनी बनकर तैयार ना हो जाए। आप चाहे इसमें इलायची पाउडर, काली मिर्च और नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं करूंगी। और ये हमारे आंवला अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी 1 तार की चाशनी दिखाऊंगी आपको। अब मैं इसमें से थोड़ा सा टच करूंगी और देखो, ये 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। कितने अच्छे से तार बन रही है। और गैस को मैं बंद कर देती हूँ। गैस को मैंने बंद कर दिया है और ये देखो आंवले का मुरब्बा कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसे 1 बाउल में सर्व करूंगी। अब मैं इसे
एक बाउल में सर्व करूंगी। ये हमारा आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसे एक बाउल में सर्व कर दिया है। इसे आप साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।